आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे RT809A प्रोग्रामर से हम लोग NHSAM कनेक्टर को किस तरह से कनेक्ट करते हैं, और वो भी हम एक्सटर्नली 3.3 वोल्ट दिए बगैर। यानी कि अभी आपको PP3V3 एक्सटर्नली देने की जरूरत नहीं है, आप RT809F से कोई भी जम्पर बगैर प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। उसके लिए मैं अभी आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप उसका स्कीमेटिक डायग्राम निकाल के सबसे पहले लोकेशन ढूंढिए, J5100 या फिर J6100, इन दोनों में से कोई भी एक नंबर ही यूज किया होगा। उस लोकेशन को एक बार देखने के बाद में आपको प्रोग्रामर को लगा देना है, और इस तरह से आपको अपना सॉकेट लगा देना है जो एनिट का है सैम कनेक्टर वो। उसके बाद में आप यहाँ पे या तो बैटरी से भी कर सकते हैं, या फिर अगर एडेप्टर लगाना है तो एडेप्टर लगाइए, और आपकी बैटरी निकाली हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहां पे मैन्युअली पावर ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट बैटरी ये लैपटॉप पावर ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे टर्न ऑफ कर दीजिए आगे से, और एक बार लैपटॉप बंद हो जाए यानी कि सस्पेंड मोड पे लैपटॉप आ जाएगा, आपका PP3V3 जनरेट हो चुका होगा। और अभी आपको RT809F का प्रोग्राम ओपन करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैन्युअली एंटर चिप प्रिंटिंग में आपको यहाँ पे मैन्युअली BIOS का नंबर देना है, और यहाँ पे देखिए आपको ISP करके एक BIOS दिखेगी, यानी कि हर एक BIOS का एक ISP आपको BIOS दिखेगी उस लिस्ट के अंदर, आपको उस BIOS को सिलेक्ट करना है। यानी कि आप जब ISP मोड पे प्रोग्रामिंग करेंगे तो उस समय में RT809F आपको कभी भी कोई एरर नहीं देगा, जैसे कि 8 नंबर पिन पुअर कनेक्शन या फिर 3 नंबर पिन पुअर कनेक्शन, ऐसा एरर नहीं आएगा। और ये ISP मोड के अंदर आपकी BIOS को रीड और राइट कर देगा, यानी कि अभी आपको कोई जम्पर लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको ISP मोड पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी जैसे मैंने ये रीड कर लिया, वैसे ही अभी हमें इसके ऊपर BIOS को राइट कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कोई भी जम्पर मैंने नहीं लगाया है, सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप अपना सस्पेंड मोड में है, और सस्पेंड मोड में ही ये काम कर रहा है। आप विदाउट एडाप्टर भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, शर्त एक ही है कि आपका लैपटॉप का बैटरी लगा होना चाहिए और बैटरी आपकी चार्ज होनी चाहिए। अगर आपकी बैटरी नहीं लगी है, बोर्ड अगर आप बाहर से कर रहे हो, यानी कि उस समय में आपको एडाप्टर लगाना है, और एडाप्टर लगाने पे आपका लैपटॉप पावर ऑन हो जाएगा विदाउट बैटरी। इसके लिए आपको पावर ऑन स्विच को आपको थोड़ी देर के लिए प्रेस करके लैपटॉप को सस्पेंड मोड पे ले जाना है। तो RT809F से अभी आप BIOS को प्रोग्राम कर पाएंगे। अगर आपको इसके अंदर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो आपको CH341 प्रोग्रामर भी साथ में दिया गया ही है, तो आप उसके द्वारा भी कर सकते हैं। लेकिन अभी एक इजी वे हो गया, RT809F से अभी हम लोग विदाउट एनी जम्पर भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं।